हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया सर। तो फिर से आप सभी का स्वागत है डिफरेंशियल कैलकुलस के एक छोटे से वीडियो में। लास्ट सेशन में हमने काफ़ी सारे डिफरेंशियल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस की थी, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ देखे थे हमने। जैसे वेलोसिटी के बारे में बात किया था, एक्सेलरेशन के बारे में बात किया था। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ टाइम के लिए अगर आपसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको वहाँ पर तीन तरह का प्रॉपर्टी बताया था, जो दो तरह का प्रॉपर्टी लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारा मैक्सिमा और मिनिमा रह गया था, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलो वापस से वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लास्ट सेशन मैंने आपको बताया था मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का कोई ना कोई एक लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मिनिमम, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर या तो उसका मिनिमम वैल्यू होगा या तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर उसकी ब्रॉड रेंज की बात करें, ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब वो सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू, वो सब कैलकुलेट हमें करना होता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सब आएंगी, वो सब के लिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। चलो, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमम अगर काउंट करना है तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना था, ठीक है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, आपके पास में मान लो आपके पास में y इज फंक्शन ऑफ x गिवन है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, y इज फंक्शन ऑफ x, ये गिवन है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको निकालना है y डैश। सबसे पहले क्या करना है, y डैश कैलकुलेट करें। y डैश का मतलब क्या है, इसका मतलब है कैलकुलेट, सबसे पहला काम क्या करना है, कैलकुलेट डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन फंक्शन वाई, जो वाई फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कर लो। दूसरा काम क्या करें सर, ये जो वाई डैश आपका आया इसको इक्वल टू क्या कर दो, पुट जीरो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मीनिंग है इसको बोलते कैसे वो समझो। दिस इज नथिंग बट डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, जिसको हम लोग बोलते हैं y डैश, इसको इक्वल टू क्या को पुट कर दोगे, जीरो। ये जो सिचुएशंस को बोलते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका डिफरेंशियल को इक्वेट करना है जीरो के। जो भी वैल्यू आएगा उस पर या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो मिनिमम होगा, दोनों ही हम पता लगा लेंगे, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे ही मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमा, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मिलेगा। एक क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ए फंक्शन। कभी आपको बोल दे, क्वेश्चन आ जाए सामने, कोई फंक्शन है बताओ इस फंक्शन के अंदर मैक्सिमा कब होगा, तो आप तुरंत क्या करोगे, वाई डैश निकालोगे, इक्वल टू जीरो करोगे, वैल्यूज आपके पास में आएगा, बताओ इन वैल्यूज के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर दो वैल्यूज हैं तो मैक्सिमम मिनिमम में से काउंट करना पड़ेगा। ये सिंगल वैल्यू तो बोल दोगे यही मिनिमम है, क्लियर है सब बातें। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, थर्ड की तरफ मूव करो। फिर क्या करें सर, अब आप करो वाई डबल डैश कैलकुलेट। ठीक है, क्या करोगे, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, वाई डैश कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आपका तीसरा काम हमेशा रहेगा कैलकुलेट डबल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन वाई, जो फंक्शन आपको गिवन है उसका दो बार डिफरेंशियल कर दो। अब क्या करें सर, पुट पुट वैल्यूज ऑफ एक्स, जो कि कैसा है, या तो मैक्सिमा देगा या तो क्या देगा, मिनिमम देगा। पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम y डैश इक्वल्स टू जीरो। जो y डैश इक्वल टू जीरो पुट करके आपने कैलकुलेट किया x का वैल्यू, या तो वो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमम, कुछ भी होगा, उसको इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। अब देखो, अब y डैश के अंदर जैसे ही आप x का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे x का वैल्यू x1 पुट किया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो होगा ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली हो सकता है x का वैल्यू कुछ आपने x2 पुट किया और ये वैल्यू क्या हो गया, लेस देन जीरो। हो सकता है कभी कि आपने x का वैल्यू इसमें पुट किया, ठीक है, या तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, या तो क्या हो जाएगा, ठीक है, लेस देन जीरो, या तो क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, x का वैल्यू आपने x3 पुट किया, ठीक है, x3 पुट किया और ये वैल्यू कितना हो गया, जीरो।
इस तरह से कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब क्या बनेगा, कुछ ना कुछ तो अभी होगा ना, तो कैसे बनेगा ये, कब हो रहा है, जब एक्स का वैल्यू पुट कर दिया है वाई डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आसानी समझ पाएंगे। ग्रेटर देन जीरो, अगर ये वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा जी, मिनिमा, क्या है मिनिमा। और अगर ये आता है लेस देन जीरो, तो ये हमारे पास में क्या है, मैक्सिमा, क्या चीज है, मैक्सिमा। और अगर ये जीरो आती है तो इसका मतलब है कॉन्स्टेंट। फंक्शन कैसा है, फंक्शन एक कॉन्स्टेंट स्लोप का फंक्शन है, ठीक है, उसमें कोई चेंज आपके पास में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब बात करते हैं कैसे हम कैलकुलेट करें, सर ये कैसे बोला कि ये मैक्सिमा होगा ये मिनिमा होगा, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। आप कोई भी एक ग्राफ बना लो, ठीक है, कोई भी एक एक्स वाई का ग्राफ पुल आउट कर दो, ये आपका एक्स है ये आपके पास में वाई है, तो सिंपल एक ग्राफ बना लो, उसमें सोचने जैसा कुछ है नहीं, बोला कि ये कोई ग्राफ। अब आपने देखा इस पॉइंट को, ये कुछ वैल्यू आएगा, ये वैल्यू किसका होगा, समथिंग कुछ एक्स वन का, ठीक है, ये वैल्यू किसका होगा बेटा, ये कुछ वैल्यू होगा एक्स वन का। सिमिलरली यहां पर कुछ वैल्यू होगा, ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स टू, ठीक है। ये वैल्यू आपने पुट किया फंक्शन के अंदर, वैल्यू कैसा आ गया आपके पास में, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ। अब देखो जरा, इस पॉइंट के बाद अगर यहां स्लोप लोगे तो ये मिनिमम स्लोप होगा, और जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे ये स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, इस पॉइंट पे जाके ये स्लोप वापस मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे जैसे x2 से जैसे आगे आओगे तो अब वैल्यू कैसा होगा, लेस देन जीरो, मतलब आप मिनिमा की तरफ मूव कर रहे हो। मिनिमा मतलब x का वैल्यू, अगर y डैश का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा आ चुका, अब उसके आगे जब जाते जाओगे तो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमा की तरफ मूव करोगे, इसलिए क्या है ये वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो। यहां पर पहुंच गए आप, इसके बाद अगर आप आगे मूव करोगे तो मिनिमम वैल्यू की तरफ जाओगे तो लेस देन जीरो, ठीक है। इसका मतलब है इसके पॉइंट के बाद स्लोप बढ़ेगा, इस पॉइंट के बाद स्लोप घटेगा, सिर्फ इतना सा बात है, कम और ज्यादा की बात होती है, ठीक है। तो आप यहां कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे यहां पर आपने स्लोप निकाला तो यहां पर स्लोप क्या होगा, आगे धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो ये मैक्सिमा है, तो इसके बाद में यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यहां से धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर थे आप, मिनिमा था ये, यहाँ के बाद क्या हुआ है, स्लोप इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। तो हर महीना के मिनिमा के बाद में स्लोप इंक्रीज होता है, मैक्सिमा के बाद स्लोप ड्रॉप होता है, उसके बाद फिर मिनिमा आ गया फिर से स्लोप इंक्रीज करेगा, फिर मैक्सिमा आ गया फिर से स्लोप डिक्रीज करेगा, तो इस तरह से क्या होगा, स्लोप आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है, बहुत ही आसान सी बातें हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का ये बिल्कुल बिल्कुल कल्चरल बातें हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम थोड़ा कुछ अच्छा कर पाए, ठीक है, थोड़ा सा देखो, छोटा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर थोड़ा सा आपको बड़ा क्वेश्चन देंगे, पहले सबसे छोटा क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको एक बड़ा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलो वैल्यू है वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू आपको बोला गया है टू एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये वैल्यू आपके पास, कुछ स्लोप बनेगा इसका, कुछ ना कुछ तो स्लोप बनेगा, ठीक है। आप देखोगे तो इसका कोई ना कोई फंक्शन बनेगा, कोई ना कोई ग्राफ भी बनेगा, उसे ग्राफ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, सिंपल, ठीक है। कैलकुलेट, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट, क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट मैक्सिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा, कैलकुलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, ये जो फंक्शन आपको दिया है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू काउंट करो। अब इसका वैल्यू कैसे होगा, एक्स का वैल्यू तो कहीं भी माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी मूव कर सकता है, तब क्या करें, पर्टिकुलर वैल्यू पे ये मिनिमम होगा, पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो, स्टेप वाइज चलते रहो और क्वेश्चन सोल्व करो। सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, वाई डैश निकालो, वाई डैश का मतलब क्या होता है, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, अरे जिसका फंक्शन उसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल, अगर टी में होता तो टी में करते, एस में होता तो एस में करते, जेड में होता तो जेड में करते, फिलहाल एक्स में है तो एक्स में कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स का मतलब वाई डैश होता है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ एनी वेरिएबल तो वो सामने उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट ऑफ ए फंक्शन, तो किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होगा फंक्शन वो देता है। तो y डैश कैसे निकाले सर, सिंपल है, आपको जो इक्वेशन दिया है ऊपर dy by dx, इक्वेशन क्या है 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये सब है। इसको तुरंत देखो, प्लस माइनस का फंक्शन बन रहा है,
तो तुरंत ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व कर डालो। तो पता फटाफट लगाओ वाई डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ 3 आ गया आएगा, 2 से मल्टीप्लाई बाय 6x2, कितना हो गया 6x2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6x, कितना हो गया 6x माइनस 12x x की पावर 1 का 1 हो जाएगा, तो 12 की पावर 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x की पावर 0 1 होता है, तो कितना हो गया माइनस 12 और ये कांस्टेंट 0 खत्म, ये तो खत्म। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपको करना है y डैश इक्वल्स टू 0 पुट करो, मतलब क्या कहने का, जो भी आपका वैल्यू आया है 6x2 माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप 0 पुट कर दो। यहां से होगा क्या, x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ऐसे क्या होगा x का वैल्यू फाइंड आउट करो, पूरे में 6 कॉमन ले सकता हूं, उधर भेज दिया 0 में चला गया, तो कितना बना x2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, इसमें x का वैल्यू पता लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का पता लगाना है। सिंपल अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो श्री धराचार्य नियम को लगा दो और काम कर दो, ठीक है। तो अगर आपको x पता लगाना है यहां पर, तो आप क्या यूज कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। नहीं आता है सिंपल धराचार्य नियम लगाओ, आता है तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल सॉल्यूशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल गया x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, ठीक है, और ये हुआ मेरे पास में प्लस, ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया मेरे पास में x इक्वल टू 2, ठीक है यहाँ से, और एक हो गया x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से 1 है ना, ठीक है, ऐसा माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, x माइनस 1 हो गया, तो ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब हो सकता है 2 पे मैक्सिमा आ जाए, 2 पे मिनिमा आ जाए, हो सकता है 1 पे मैक्सिमा आ जाए, 1 पे मिनिमा आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा किस पे क्या आएगा, हमें पता नहीं है ना अभी तक, तो देखें क्या होगा। तो आपने फटाक से किया, थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था, थर्ड स्टेप में y डबल डैश पहले कैलकुलेट करो। y डबल डैश कैसे करें बेटा, आपने, मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल पहला डिफरेंशियल आप निकाल चुके हो y डैश, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, कैसे हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो d डिवाइड बाय dx, y डैश कितना लिखा हुआ है 6 स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 12, सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करके सॉल्व करोगे, 6 दूनी 12 12x, ये क्या हो गया माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 6, ये तो खत्म हो गया 6x, ठीक है। तो ये हमारे पास बना, अब इसमें करना क्या है, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स इन वाई डबल डैश, जो वाई डबल डैश निकाला है इसमें वाई एक्स का वैल्यू पुट कर दो। तो दो बार पुट करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, वाई डैश जब एक्स का वैल्यू कितना पुट करोगे 2 तब कुछ आएगा, एक वाई डैश जब एक्स का वैल्यू कितना करोगे 1 तो भी कुछ आएगा, दोनों पुट करो, दोनों के दोनों वैल्यूज पुट करो। कैसे करें, आपने कहा 2 पुट करते हैं पहले, ये इक्वेशन इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है, ध्यान देना है। 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स का वैल्यू कितना है 2 माइनस ऑफ 6, तो ये कितना हो गया 24 माइनस ऑफ 6 कितना हो जाएगा बेटा 18, ठीक है। और ये वैल्यू अगर देखोगे तो ये ग्रेटर देन क्या है 0, क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट पुट करो, चलो देखते हैं, 12 एक्स की पावर क्या माइनस 1 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू, देखो जरा माइनस 12 माइनस 6, ठीक है, माइनस 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, बोला माइनस 12 माइनस ऑफ 6 कितना हो गया बेटा 12 6 18 माइनस 18, और ये वैल्यू किससे कम है 0 से कम है, ठीक है। तो देखो जरा हर बार ऐसा होगा आपके साथ, या तो वैल्यू क्या होगा 0 से ज्यादा होगा, या तो क्या होगा कम होगा, दो जो भी होगा आप देखना है। अब देखो जरा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये वैल्यू कैसा होगा मिनिमा, मतलब क्या है एक्स इक्व टू 2 के ऊपर क्या आएगा मिनिमा, x इक्व टू माइनस 1 पे ये वैल्यू क्या है लेस देन 0, लेस देन 0 ये क्या हो जाएगा बेटा आपका मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 पे आएगा, आप चाहो तो चेक कर लो रख के, आप अगर चाहें तो पूरे को चेक कर सकते हो, क्लियर है, समझ रहे हो, जैसी पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे ये सब आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इस पूरे फंक्शन में 2 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आपका मिनिमम आएगा, अगर ये माइनस 1 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगा, ये हमने कैलकुलेट किया, क्लियर सब बातें,
बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? चलो बहुत अच्छे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू है 2x की पावर 3 माइनस ऑफ 24x प्लस 107, ठीक है? प्लस 107। आपको पता लगाना है मैक्सिमा मिनिमा, क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमा या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इन इंटरवेल। अब आपको ये नहीं पूछा किस पे होगा, नहीं 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 नहीं, अब आपको जो बताना है वो सिर्फ भी बताना है। इंटरवेल दिया हुआ है, इंटरवेल गिवन है आपके पास में, इंटरवेल है 1, 3। इस इंटरवेल में मैक्सिमा और मिनिमा बताना, कुछ भी दे सकता है यार, सिंपल है, ठीक है? तो प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा, जो चल रहा था वही होगा, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला काम क्या है? डिफरेंशियल। सबसे पहला काम क्या है सर? डिफरेंशियल। तो नंबर वन वर्क तो कर दो, y डैश। तो y डैश कैसे निकलेगा सर जी? डी डिवाइड बाय dx ऑफ y, y का वैल्यू कितना है? 2x की पावर 3 माइनस 24x प्लस 107, ये होगा डिफरेंशियल। कर दो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, एक्स स्क्वायर माइनस 24 और 107 खत्म हो गए, 0 बन गए। अब करना क्या है? सेकंड स्टेप आपको याद होना चाहिए हमेशा, वाई डैश को पुट करो 0, इसका मतलब आपको क्या करना है? 6x² - 24 = 0, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है? तो क्या मिलेगा? x² = 24/6, ठीक है? कितना हो गया मेरे पास में? 4। तो आपको मिलेगा x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा? रूट ऑफ 4। तो वैल्यू कितना आएगा? प्लस माइनस 2। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2, मतलब x का वैल्यू प्लस 2 हो सकता है, माइनस 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। पर हमें इस रेंज में बातें करनी ही नहीं है, इस रेंज में हमें बातें करनी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ छोटे कंसेप्ट, कभी कभी पूछ लेता है ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा। तो ग्लोबल पॉइंट ये होगा, ये हमेशा क्या बनेंगे? ये बनेंगे आपके ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा विल ऑलवेज स्टे एट दीज पॉइंट। हमेशा याद रखना इन्हीं दोनों पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा मिलेगा। लेकिन हमें रेंज दिया हुआ है, हमें पता इसमें लगाना है, क्लियर है? तो वही सब बातें करना है। थर्ड स्टेप क्या होता है? y डबल डैश कैलकुलेट करो। y डबल डैश कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल है, dy बाय dx ऑफ y डैश, डबल डिफरेंशियल, मतलब एक बार डिफरेंशियल कर दिया फिर दोबारा से डिफरेंशियल कर दो। दोबारा डिफरेंशियल करो क्या मिलेगा? ये रहा इक्वेशन, या फिर ये रहा, जो भी कहोगे, इसका डिफरेंशियल एक और बार। तो कितना हो जाएगा बेटा? 6x² था, 6 हो जाएगा 12x, ये तो खत्म हो गए, 12x कितना आ गया? 12x। अब देखो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना है तो ये वैल्यूज दोनों यहां पर पुट कर दो, प्लस माइनस वाली पुट कर दो, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? वाई डबल डैश एट प्लस 2 जो भी होगा, फिर मैं कर रहा हूं वाई डबल डैश एट माइनस 2 जो भी, बिल्कुल आप समझ जाएंगे चीजों को, बहुत आसान है चीजें, ऐसे बहुत टफ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो प्लस 2 पुट करें आप, तो प्लस 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 24, और 24 मुझे तो लगता है 0 से ज्यादा ही है, जो तो 0 से ज्यादा ही होता है ना, ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये कितना हुआ? 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 2, तो ये बेटा ये सिंपल हो गया, माइनस 24, दैट इज स्मॉलर देन 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हमारा क्या बन गया? ग्रेटर देन है ना, तो क्या बन गया? मिनिमा। ये ग्लोबल है, लेकिन मिनिमम वैल्यू है ग्लोबल, सबसे कम यही होगा इस पे, मतलब x का वैल्यू 2 अगर इसे पुट करोगे तो सबसे कम वैल्यू आपको मिलेगा, सबसे कम वैल्यू मिलेगा, ठीक है? अब आगे देखो, आगे चेक करो, फिर ये क्या हुआ? लेस देन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? मैक्सिमा, ठीक है? मतलब अगर आप इस फंक्शन में माइनस 2 पुट करोगे तो ये मिनिमम वैल्यू इसका जो आएगा वो माइनस 2 पे आएगा। हमें क्या चाहिए? 1 और 3 के बीच में। अब 1 और 3 के बीच में 2 तो आता होगा, मतलब 2 तो ये है,
ये मिनिमा है, मतलब इस पूरे इंटरवल का मिनिमा इतना है क्या? नहीं, इंटरवल चेंज हो गया। ये इंटरवल कौन सा है? माइनस टू, ग्लोबल वैल्यू का मिनिमा है ये और ग्लोबल वैल्यू का मैक्सिमा है। हमें इस रेंज में चाहिए, तो इसमें मैक्सिमा भी होगा मिनिमा भी होगा, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं? वैल्यूज पुट करके। सिंपल, आपको तो करना क्या है, वैल्यूज ही पुट करना है, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको ये सब काम करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। अब बात आती है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कैसे पता लगाएं। सिंपल है यार, ठीक है। कैसे करें भाई? इस पे तो ये तो मिनिमम वैल्यू आएगा ना, कोई बात नहीं। अब वाई का वैल्यू 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, मतलब इसका वैल्यू 1 पे, 2 पे, 3 पे निकाल लो फटाफट। तो हमें पता लगा इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है, सबसे मिनिमम कौन है, हमें पता लग जाएगा। अब ये तो मिनिमम वैल्यू है, दैट इज मिनिमम, मतलब सबसे कम तो यही रहेगा दुनिया में, इससे कम तो कोई होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा सर तीन काम करने पड़ेंगे, वाई का वैल्यू 1 पे निकाल लो, दूसरा वाई का वैल्यू 2 पे भी निकाल लो, और वाई का वैल्यू आप 3 पे कैलकुलेट कर लो। तीन कैलकुलेट कर लो फटाफट, क्यों? क्योंकि हमें 1 और 3 के बीच में चाहिए। तो 1 और 3 के बीच में कौन आएगा? 1, 2, 3 तीनों ही आएंगे ना, तीनों के तीनों आएंगे, तो सब काउंट करना पड़ेगा। देखें जरा, 1 पे कैलकुलेट करना है, फंक्शन ये है। फंक्शन क्या है? फंक्शन लिख दो, 2x³ - 24x + 107। वैल्यू पुट करना है 1, तो कितना हो गया बेटा? 2 1 का क्यूब, ठीक है, -24 × 1 + 107, तो कितना बनेगा बेटा? 107 + कितना बनेगा? 2 - 24, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो ये आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो ये आएगा। कितना आ रहा है देखो, 24 7 2, तो इसमें जाएगा 22, और इसमें जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास में 85, ठीक है। वैल्यू कितना आ गया? 85, क्लियर है। तो इधर देखें, अब 2 पे कैलकुलेट करो इसको। अब आप क्या करोगे? 2 पे कैलकुलेट करोगे, तो 2 पे फटाफट कैलकुलेट करो, तो 2 पे डायरेक्ट वैल्यू में रखा हूं, ये फंक्शन है, इसमें 2 रखना है बस। 2 × 2 का पावर 3 - 24 × 2 प्लस कितना हो जाएगा? 107, तो कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगा। कितना हो गया? 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 - 48 + 107, तो ये हो गया मेरे पास में ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, 48 107, ठीक, तो ये हो गया मेरे पास में 89, कितना हो गया? 89, ठीक है, 85 आ गया, 89 आ गया। अब 3 पे भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, सॉरी 2 पे तो हमने कैलकुलेट करना है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है, 3 पे देखने हैं, ठीक है, 2 पे कैलकुलेट करें, मुझे लगता है गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। 2 पे कैलकुलेट करें इसको, वैल्यू आ गया 2 × 2 × 2, मतलब 4 8 16 16 -48 + 107, ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यू आएगा। अच्छा, ये इन दोनों का मिक्स मत करना, ऐसा नहीं 85 ये, ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व करना। चलो करते हैं अभी, रुको। अब आ गया 2 3 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? 3 पुट करोगे तो 3³ - 24 × 3 + 107, इसको भी सॉल्व करें तो 9 9 27 × 2, तो ये हो गया 27, 27 × 2 - 24 × 3 + 107, इसको आप सॉल्व करें, फटाक से सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू तो हो गया 89, इसको सॉल्व कर लें आप, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारे पास में कुछ आएगा, ठीक है, तो वैल्यू कितना आ रहा है इसका? +2 के ऊपर मिनिमा वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आ गया 75, हो गया 75, तो ठीक है। सबसे कम कौन है फटाफट बता दो, सबसे कम कौन है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अलग से, ठीक है। तो y मिनिमम, मिनिमम कब होगा? एट x=2, इन तीनों में देख लो, इन तीनों में 85, 75, 89, सबसे कम कौन है? 75 ना, तो कहां पर है वो? 2 पे है, तो एट 2। y का वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ होगा? 89 है शायद, तो कहां पे होगा? एट x=3। आपको सर अभी तो मैक्सिमम जो आया था वो इस पे आया था, नहीं, इस रेंज का मैक्सिमम पूछा गया है, ठीक है, इस रेंज के लिए पूछा गया है, ठीक है। हमें x का रेंज दिया हुआ था, रेंज क्या था? 1 और 3 दिया हुआ था, इसमें हमने पता लगा लिया 2 पे मिनिमम होगा, 3 पे क्या होगा? मैक्सिमम।
ठीक है, ऐसे आपको करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं इसके अंदर, कोई उसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो आप कैलकुलेट करते रहो, जब तक करेंगे तब तक अच्छा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, y इज इक्वल्स टू आप सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 100, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है और आपको रेंज दिया हुआ है 13, रेंज क्या दिया है 13, कैलकुलेट, वही सब चीजें करना है, कैलकुलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ रेंज एंड ग्लोबल ऑल्सो, मतलब आपको ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा बताना है और रेंज का भी बताना है, इस रेंज का मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा वो भी बताना है और ग्लोबल क्या होगा वो भी बताना है, दोनों चीजें आपको काउंट करनी है, क्लियर है। तो वाई का वैल्यू से कुछ है तो ये आप सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको सॉल्व कर लोगे तो हमारे लिए थोड़ा सा फायदा हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, आप कर सकते हो इन चीजों को, बहुत आसान सी चीजें हमारे पास में, ठीक है। चलो एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, जैसे देखो एक फंक्शन ले लेते हैं, छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ आपको मैं किस तरह से क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम हो सकता है। जैसे वाई आपको दिया हुआ है, वाई आपको दे दिया एक्स की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 10, कुछ भी दे देगा, कुछ भी एक वैल्यू दे, कुछ भी आपको वैल्यू दिए और पूछा कैलकुलेट y डैश प्लस y, या फिर सिंपल देखो y डैश, चलो ऐसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई लिख देते हैं, f में लिख देते हैं, फंक्शन ये फंक्शन है तो f में लिख देते हैं, f डैश 0 प्लस f डबल डैश 1 माइनस एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एफ 4 times 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया, इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया, कहना क्या चाहते पहले वो समझो, ये एफ डैश, ठीक है, ये क्या है एफ डैश जीरो, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है इन सब का वैल्यू, तो पहले ये सब पता लगाए, यहां कहना क्या चाहता है वो देखो, एफ डैश जीरो का क्या मतलब है वो पहले पता आपको होना चाहिए, तब तो कैलकुलेट करेंगे, एफ डबल डैश 1 का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए आपको, एफ ट्रिपल डैश 0 क्या है वो पता लगाओ, फिर आपने बोला सर एफ 4 times है ये, ठीक है, 4 times 1 ये क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये क्या है सिंगल डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल ट्रिपल डिफरेंशियल फोर टाइम डिफरेंशियल, ठीक है। कैसे करते हैं सर, सामने जो वैल्यू होता है वो डिफरेंशियल में पुट करना होता है, तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है dy/dx at x = 0, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या लिखा है सर, सिंपल है भैया, डबल डैश का मतलब 2 times differential, कितना 2 times differential, तो कैसे लिखोगे dy/dx कहां पर at x = 1, ठीक है। इसी को कुछ अच्छी बुक्स में देखोगे तो क्या लिखता है, इसको बोलता है d2y/dx2, ये इसका मतलब क्या है डबल डिफरेंशियल, एक बार डिफरेंशियल फिर डिफरेंशियल, कहां पर पता लगाना है आपको at x = 1, तो तुरंत पता लगाओगे, वैल्यू पता लगा लोगे, ठीक है। आगे करेंगे हम, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं ये होता क्या, ट्रिपल डैश का मतलब क्या है d/dx of dy/dx, कहां पर पता लगाना है एट जो भी आपको रेंज दिया है x = 0, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे d³y/dx³, 4 3 बार डिफरेंशियल, 4 times का मतलब क्या है, इसका मतलब है d/dx of
डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक कोई फंक्शन को डिफरेंशियल करो, फिर डिफरेंशियल करो, फिर डिफरेंशियल करो, फिर से डिफरेंशियल करो, तो इस तरह से हमारी बातें होती हैं। तो कहां पर पूछा गया है, एक्स इक्वल टू वन कैसे लिखोगे मैथमेटिक्स में, तो कैसे लिखोगे, इतना बड़ा बड़ा थोड़ी लिखोगे यार, इसको कैसे लिखते हैं, डी की पावर फोर वाई डिवाइड बाय डी एक्स की पावर फोर, कोई रेंज दे देगा आपको, जैसे एक्स का वैल्यू वन पर पूछा। फंक्शन है, फंक्शन को कैलकुलेट करना है, इन सब पे वो काम करना है। देखें जरा कैसे करते हैं, वापस से लिख रहा हूं मैं, डबल डिफरेंशियल ट्रिपल डिफरेंशियल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 6 एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 2 माइनस 6 एक्स प्लस 10। हमें फाइंड आउट क्या करना है, f डैश 0 प्लस f डबल डैश 0 प्लस एफ 4 टाइम्स 1 माइनस एफ ट्रिपल टाइम्स एट 0 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हमें पता लगाना है। अब हम ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले सिंगल डिफरेंशियल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स सब पता लगा लो, एक के बाद करते चल जाओ सब। ठीक है, वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे, वैल्यूज तो कभी पुट कर सकते हो ना, वो तो कोई इशू है नहीं कभी भी। तो देखें, तो आपने कहा सर कैसे पुट करें, पहले वाई डैश, वाई डैश का मतलब क्या है, एफ डैश। ठीक है, वाई डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डैश। जीरो मतलब जीरो पे निकालना है, तो जीरो पे कैसे निकालेंगे, पहले तो डिफरेंशियल तो करो तब तो निकालेंगे। क्या हो जाएगा बेटा, 5x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, 6 गुना 4। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्स की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 एक्स की पावर 2। ठीक है, माइनस होना जाता है ना, प्लस 2 इंटू 2 एक्स की पावर 1 माइनस 6 प्लस 0। ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया खेल इसका। तो क्या पुट करना है आपको, एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है इस पूरे में, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट कर तो आंसर निकाल लो। तो देखो जरा बेटा, एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना हुआ, एक्स जीरो 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 बचा कितना, माइनस सिक्स, कितना हुआ माइनस सिक्स, कोई प्रॉब्लम, बढ़िया। अब क्या करना है, डबल डैश, क्या करना है, डबल डैश। तो आपने कहा सर वाई डबल डैश, वाई डबल डैश का मतलब क्या करना है, एफ डबल डैश पता लगाना है, वैल्यू क्या पुट करना है, एफ डबल डैश किस पे लगाना है, जीरो पे। तो आपने कहा सर जीरो पे पता लगाना है, बढ़िया, सबसे अच्छा काम है। तो डबल डैश कहां से लाए, ये रहा सिंगल डैश का वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 एक्स की पावर 3 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 3 एक्स की पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1, और ये सब बाकी जीरो, ये जीरो, ये जीरो था ही पहले से, प्लस कितना हो गया, जीरो। पुट क्या करना है, x इक्वल्स टू जीरो, x जीरो पुट कर दो इसमें भी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो बचेगा बस ये भाई साहब, f डबल डैश जीरो इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4, तो ये हो गया 4, f डबल डैश 4 का वैल्यू कितना आ गया, 4। सिंपल आपको कर सकते हो, एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू, वाई ट्रिपल डैश का मतलब हमें पता कहां पर लगाना है, ट्रिपल डैश का वैल्यू कहां पता लगाना है बेटा, वो भी जीरो पे चाहिए, वाह 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 मजा आ गया, करो कैसे ट्रिपल डैश कहां से लाएं, अरे ये लिखा हुआ ट्रिपल डैश, डबल डैश को एक बार डिफरेंशिएट करना, तो डबल डैश तो ये है ना भाई, ये तो डबल डैश है ना, बस इसको डिफरेंशिएट ही तो करना है। तो कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 एक्स क्यूब था, स्क्वायर हो गया, प्लस कितना है, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस ये 1 था खत्म, अभी हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बाकी का 0, पता क्या करना है, x इक्वल टू 0 पता लगाना है, करो
एक्स जीरो रखा खत्म, ये खत्म, बचेगा हमारे पास में एफ ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 × 2, तो 5 × 15 × 30, ठीक है, -30 ना आ गया -30, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, y 4 टाइम्स डिफरेंशियल किस पे पता लगाना है, बोला गया है 4 टाइम डिफरेंशियल 1 पे पता लगाओ, अभी 0 नहीं है, 1 है, अब क्या है 1 है, अब क्या बचा ही क्या है, 1 है, तो इसको सॉल्व कर लो, 1 पे तो सॉल्व करना, कर लो। तो आपने कहा सर ये कैसे होगा, देखो बेटा ये हो गया 5 × 4 × 3 × इधर क्यूब है, स्क्वायर है, अभी तो बचेगा इसका 1, तो 3 का 2 आगे आएगा, इसका पावर आगे आएगा और x की पावर क्या बचेगा 1, ठीक है 1 प्लस ये x की पावर 1 है, ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया, तो कितना बचेगा प्लस 6 × 4 × 3 × 2, वो सब 0 हो चुका है, उसमें कुछ देखना नहीं है, तो प्लस 0 लिख दो, सॉल्व कर लो, f 4 × 1, f 4 × 1 देखो कितना होगा वैल्यू, सिंपल 1 पुट करना है तो 1, ये तो पहले से था हमारे पास में, तो कितना हो गया बेटा देखो जरा, 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2 तो इसमें कॉमन हो गया, तो ये ले सकता हूँ कॉमन में, कोई दिक्कत है नहीं, चाहती है 12 × 2 = 24, ये कितना 5, ये हो गया 6, 6 × 5 कितना होता 11, ठीक है, तो 11 × 24 करना है, तो कर दो बेटा फटाफट, 11 × 4 = 44, 4 चला गया, 11 × 22 और 4 कितना हो गया 26, ठीक है, ये वैल्यू कुछ आ गया 264। अब आपको इस फंक्शन में ही सारी वैल्यूज पुट करनी है, जो जो आपने निकाला सब निकालना है, ठीक है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तो देखें जरा कैसे होगा, ठीक है, चलो सब कुछ हम निकाल चुके हैं, फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो, हमें कैलकुलेट करना था एफ डैश जीरो प्लस एफ डबल डैश जीरो प्लस एफ 4 × 1 माइनस एफ 3 × 0 प्लस 2, ये हमें फाइंड आउट करना था। एफ डैश जीरो का वैल्यू देखो, पीछे वाले पे रिवर्स करो, फिर देखो एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना था -6, कितना था -6, एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू कितना था +4, एफ 4 × 1 का वैल्यू कितना था +264, एफ ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू कितना था -30, तो वो कितना हो जाएगा +30, और ये हो गया 2, फाइंड आउट कर लो, तो सॉल्व करना है, तो देखो 4 × 2 = 6, तो ये भाई साहब तो इनसे हो गए कैंसिल आउट, अभी बचा गया हमारे पास में 264 + 30, तो आंसर कितना हो जाएगा पास में, बोलो लास्ट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल है ना यार, इसको तो ऐड कर ही सकते हो ना, 294, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी हमारे पास में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको तैयार होना है, हमेशा बस फॉलो करो, सबसे पहला काम क्या होता है, सिंगल डिफरेंशियल पता लगाओ, उसको इक्वेट करो 0, एक्स का वैल्यू पता लगाओ, डबल डिफरेंशियल पता लगाओ, एक्स का वैल्यू पुट करो, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, दोनों में से जो भी हो जाए एक बार में पुट कर दो, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट है, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, बुक्स लें सॉल्व करें, पढ़ते रहें, बढ़िया से तैयारी करते रहें, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, डिफरेंशियल का एक और लेक्चर करेंगे हम लोग डिफरेंशियल का, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका डिफरेंशियल का कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि किस तरह से डिफरेंशियल को यूज करना है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।